हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टाइमर क्या होता है, टाइमर किस तरह काम करता है और टाइमर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। दैट मीन्स आज के स्टूडियो में हम टाइमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेरी होती है, सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं टाइमर क्या होता है। तो बेसिकली टाइमर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी भी स्टार्टर को या किसी भी कॉन्ट्रेक्टर या किसी भी इक्विपमेंट को हम टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास कोई स्टार्टर है या कोई कंपोनेंट है जिसे हम चाहते हैं कि वो इतने टाइम बाद स्टार्ट हो जाए या इतने टाइम बाद स्टॉप हो जाए। टाइमिंग कुछ भी हो सकती है जो हम इसमें सेट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसमें हम टाइमर कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही दिया है, किसी भी कंपोनेंट को टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम बेसिकली टाइमर कहते हैं। टाइमर कई टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास एक EAPL का टाइमर है जिसे ऑपरेट करने के लिए हमें इसमें कॉइल में सप्लाई देना होती है। ये हमारे पास एक बेसिकली देखा जाए तो TC का एक टाइमर है, इसमें हमें कॉइल में सप्लाई नहीं देना होती, जस्ट हम इसमें कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर फिट कर देते हैं और NONC से इसका डायरेक्ट हम यूज ले लेते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट टाइमर भी होता है जो कि हम किसी भी जो स्ट्रीट लाइट होती है या किसी भी कंपोनेंट को 24 आवर्स टाइमर के नाम से भी इसे जानते हैं। दैट मीन्स इसे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली स्ट्रीट लाइट में इसी तरह के टाइमर का यूज किया जाता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, स्ट्रीट लाइट टाइमर किस तरह काम करता है, किस तरह कनेक्शन किया जाता है, किस तरह इसकी सेटिंग की जाती है। यदि आप इस टाइमर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं टाइमर किस तरह काम करता है। तो क्या होता है, टाइमर में कुछ नहीं होता है, एक कॉइल होती है जो कि AC वोल्टेज पे भी ऑपरेट हो सकती है, DC वोल्टेज पे भी ऑपरेट हो सकती है, हर टाइमर के लिए अलग अलग होती है। तो आप पहले टाइमर पर चेक कर लीजिए, ये जो हमारा टाइमर है इसे ऑपरेट होने के लिए 240 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है, इसमें A1 और A2 कॉइल होती है, ये है और ये क्या होती है, कॉइल होती है। यदि हम इसे यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे बना के रखा है, इसमें क्या होता है A1 और A2 कॉइल होती है जिसमें हमें 220 वोल्ट देना होता है। जैसे यहाँ पे 220 वोल्ट हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे जो टाइमर की कॉइल होती है वो एनर्जाइज होती है और हमारा टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए अब टाइमर के NONC किस तरह काम करते हैं ये हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे टाइमर की कॉइल कितने वोल्ट पे है, 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट होती है। तो जैसे ही टाइमर की कॉइल में 220 वोल्ट जाएगा तो किस तरह काम करेगा हम समझ लेते हैं। हमने क्या किया, इस कॉमन जो कॉइल की सप्लाई इसे ही कॉमन में हमने लूप कर दिया है। उस बार क्या होगा, सपोज हमने टाइमर में 10 सेकंड टाइमिंग सेट की है तो क्या होगा, जो हमने जैसे ही टाइमर ऑपरेट होगा तो जो टाइमिंग हमने सेट की है, हमने एग्जांपल 10 सेकंड ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही टाइमर की कॉइल में सप्लाई जाएगी और सप्लाई कॉमन में आएगी तो जितना टाइम हमने सेट किया है वो जो कॉमन की सप्लाई है वो अब निकलेगी NC से। ध्यान रखिए NC से निकलेगी, काफी इम्पोर्टेंट है, जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम तक सप्लाई निकलेगी NC से टाइमर के ऑपरेट होते ही के बाद ही। और जैसे ही हमारा टाइमिंग कंप्लीट होगा, जैसे ही हमारा 10 सेकंड कंप्लीट हो गए तो जो कॉमन की सप्लाई थी वह अब आएगी NO में, या हम कह सकते हैं 18 नंबर पॉइंट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको क्लियर हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए, जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई NC से निकलेगी और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी उसके बाद सप्लाई निकलेगी NO से। अब जैसा कि इस टाइमर में 2 कॉमन 8 पॉइंट दिए गए, 8 पॉइंट में यदि देखा जाए तो A1 A2 इसकी कॉइल होती है, 15 नंबर क्या होता है कॉमन होता है, 15 के साथ 16 क्या होता है NC होता है और 18 NO होता है। बेसिकली 25 कॉमन होता है, 26 NC होता है और 28 इसमें NO पॉइंट दिया गया है। दैट मीन्स इसमें 2 कॉमन 2 NO और 2 NC दिए गए होते हैं। तो जरूरी नहीं है आप इसी टाइमर का कनेक्शन सीखे, कोई भी टाइमर दिया हो उसका आपको जो डायग्राम होता है इसके ऊपर दिया गया होता है, किसी भी टाइमर का डायग्राम इसी तरह होता है, एक कॉइल का सिंबल होता है, इसके अलावा ये यदि इस तरह कॉन्टेक्ट दिया गया तो ये NC होता है, यहाँ जब जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये NO में होगा, ये NC होता है 25-26, जैसे ही टाइमर ऑपरेट होगा तो 10 सेकंड तक NC से सप्लाई निकलेगी, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा तो NO में सप्लाई आ जाएगी। तो कोई भी टाइमर हो हर टाइमिंग का आपको इस तरह से कनेक्शन उसके ऊपर ही दिया गया होगा, वहां से समझ सकते हैं। और हम इस टाइमर का प्रैक्टिकली कनेक्शन करके 2 कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करके भी देखने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा इसकी सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है, नॉर्मली इसके ऊपर आपको यहाँ पे बटन दिए गए हैं, यदि आपने दोनों बटन को इस तरफ किया है तो क्या होगा, जो आपका टाइमर की जो सेटिंग होगी वो क्या होगा, 3 सेकंड के ऊपर सेट होगी, दैट मीन्स सेकंड में सेट होगी। यदि आपने क्या किया, एक लीड को इस तरफ कर दी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 सेकंड सेट हो चुकी है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से वॉच कीजिए, ये अभी हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, 30 सेकंड हो गई है। अब क्या होगा, यदि आपने दोनों इस पॉइंट को इधर किया और इस पॉइंट को इधर किया तो आपके 3 मिनट की सेटिंग होगी, यहाँ पे आप मिनट आ गया है, 3 मिनट की सेटिंग हो गई है। यदि आपने दोनों को इस तरफ कर दिया है तो 30 मिनट की सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें सेटिंग दी गई है।
चलिए हम इस टाइमर के साथ एक प्रैक्टिकल करके भी एक कनेक्शन करके भी देख लेते हैं किस तरह टाइमर का कनेक्शन होगा। यदि आप स्ट्रीट लाइट टाइमर या टीसी टाइमर के बारे में जानना चाहते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में पहले ही वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके प्रैक्टिकल में क्या करने वाले हैं समझ लेते हैं। तो चलिए आज के स्टूडियो में टाइमर के कनेक्शन को देखने वाले, जिसमें हम क्या करने वाले, एक कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने वाले और एक कॉन्टेक्टर को स्टॉप करने वाले है। किस तरह टाइमर से कनेक्शन होगा प्रैक्टिकली हम सीख लेते हैं। तो जस्ट हम ये प्रैक्टिकल के लिए सीख रहे हैं। यदि टाइमर का ज्यादा अच्छा यूज सीखना चाहते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को वॉच कर लीजिए, या किसी भी मोटर को टाइमर से किस तरह कंट्रोल करते हैं तो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम प्रैक्टिकल कनेक्शन कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास दोनों कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट के है और इसके अलावा टाइमर भी हमारे पास 220 वोल्ट का है। तो सबसे पहले हम टाइमर के A1 पॉइंट में और कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में, बेसिकली ये भी 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट होता है, तो तीनों में न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर किस तरह दोनों कॉन्टेक्टर टाइमर से कंट्रोल होकर सीख लेते हैं। तो चलिए हमने अभी टाइमर की कॉइल में और कॉन्टेक्टर की कॉइल में सभी जगह भी न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब किस तरह फेज वायरिंग होगी हम समझ लेते हैं, किस तरह हमारे जो कॉन्टेक्टर और टाइमर से कंट्रोल हो गए। जैसा कि हमने देखा था कि टाइमर की कॉइल को ऑपरेट होने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई की जरूरत होती है, तो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो हमारा फेज है वो टाइमर के थ्रू कंट्रोल होगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि कॉइल में सप्लाई आने के बाद कॉइल से एक लूपिंग हमें कॉमन में करना होती है, किसी भी टाइमर के कॉमन में सप्लाई देना होती है टाइमर के कनेक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे एक वायर की लूपिंग ले लेते हैं ताकि कॉमन में कनेक्शन कर सके। यहाँ पे हम इसे टाइट कर लेते हैं और फिर हम उसके टाइमर के कॉमन में कनेक्शन कर देते हैं। तो चलिए हमने क्या किया, टाइमर की कॉइल से इस कॉमन में एक 15 नंबर पॉइंट में यहाँ पे हमने एक बेसिकली देखा जाए तो एक लूपिंग को कनेक्ट कर दिया है। अब हम चाहते हैं जब हमारा टाइमर स्टार्ट हो, दैट मीन जब टाइमर की कॉइल में सप्लाई जाए, तो सप्लाई जाते ही हमारे इस कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए और जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम तक इस टाइमर ने चलना चाहिए, और जैसे ही हमारे टाइमर की कंप्लीट हो जाए तो हमारे इस कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। राइट में जितना टाइम हमने सपोज 5 सेकंड सेट किया है तो 5 सेकंड तक इस कॉन्टेक्टर ने चलना चाहिए और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हुई तो इस कॉन्टेक्टर ने चलना चाहिए। तो इसका कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं, काफी बेसिक कनेक्शन हम कर रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। अब जैसे कि हमने देखा था जब टाइमर की कॉइल में सप्लाई जाएगी तो जो कॉमन की सप्लाई है जितने टाइम हमने सेट किया उतने टाइम तक कहां से निकलेगी, NC से निकलेगी, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है। तो हमने NC में एक वायर कनेक्ट कर लिया और जितने टाइम हमने सेट किया उतने टाइम तक हमें इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, तो जो NC से सप्लाई आएगी वो इस कॉन्टेक्टर में हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इसकी सप्लाई NO से निकलेगी। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा तो सप्लाई NO से आएगी, तो हम NO में यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इस NO से ले जाके हम दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देते हैं। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी तो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा, इसकी कॉइल में हमने कनेक्शन कर दिया है। और हाँ, इसमें हमने कोई इंटरलॉकिंग नहीं की है, यदि आप इंटरलॉकिंग करना चाहते हैं तो एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो। यदि टाइमर हमारा किसी कारण खराब होता है इसके लिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं, तो एक दूसरे कॉन्टेक्टर का आप NC यूज कर सकते हैं, बस जस्ट हम इसमें ऑपरेट करके देख रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें इंटरलॉकिंग नहीं की है। तो चलिए हमारा बेसिक कनेक्शन कंप्लीट होगा, आप किस तरह वर्क करेगा समझ लेते हैं। जैसे ही हम सप्लाई ऑन करेंगे हमारे इस कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए और इसमें हमने 5 सेकंड सेट किया है, तो जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हो गए तो हमारे इस कॉन्टेक्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए और इस कॉन्टेक्टर ने ऑन होना चाहिए। चलिए हम सप्लाई ऑन करते हैं। देख, सप्लाई ऑन की, इस कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, 5 सेकंड बाद ये टाइमर ऑपरेट हुआ। फिर से हम सप्लाई को ऑफ करते हैं, फिर हम ऑन करते हैं, यह कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, यह कॉन्टेक्टर 5 सेकंड बाद ऑपरेट हुआ। तो ये बेसिकली टाइमर का बेसिक कनेक्शन था जो हमने इसमें सीखा, इसकी सेटिंग हमने सीखी। यदि आप डिटेल में इस टाइमर के बारे में जानना चाहते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को आप वॉच कर लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।